हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट में टेस्टी पोहे। पोहे बनाने के लिए मैंने प्याज, बीन्स, गाजर, हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। अच्छे से उसमें हम राई डालेंगे, कड़ी पत्ता, मूंगफली डालकर अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, फिर हम उसमें आलू, मटर, गाजर, बीन्स डालकर जब तक सब्जियों को हम पकाएंगे जब तक हमारी सब्जियां गल नहीं जाती। अब हम एक टोकरी में पोहे को डालकर 1 गिलास पानी डालकर उनको रेस्ट भीगने के लिए रख देंगे। अब हम कढ़ाई में हल्दी, नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पोहे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक नींबू को काट कर उसका रस अच्छे से पोहे में निचोड़ लेंगे। अब हम उसको मिक्स कर लेंगे। हमारे पोहे बनकर तैयार हैं। अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे पोहे को। अब हम इसके ऊपर कटी हुई प्याज और आलू भुजिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे पोहे खाने के लिए तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे घर में पोहे इसी तरीके से बनते, आपके घर में पोहे कैसे बनते प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।